आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडेज टॉपिक यू कैन आस्क. अगर कल के किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. यस मैम. हाँ जी, पूछिए. कल हमने ये ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ लिया था. इस पैरा से शुरू करना है. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर रिप्लाई दो कि नहीं है. चैट ऑफ. नो प्रॉब्लम. ओके, चलिए तो फिर आज आगे का पढ़ते हैं. दे डिड नॉट फोर सी दैट इन द 19th एंड 20th सेंचुरी नियरली 90% ऑफ देम वुड डाई बाय एक्सपोजर टू जर्म्स बाय द लॉस ऑफ देयर लैंड्स एंड रिसोर्सेज एंड इन द बैटल्स अगेंस्ट द सेटलर्स. अब क्या हुआ था, इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 19th से 20th सेंचुरी के अंदर इनकी पॉपुलेशन जो है वो 90% ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके बीमारियाँ फैल जाएंगी, जर्म से मर जाएंगे, साथ साथ इनके लैंड भी चले गए, इनके रिसोर्सेज भी चले गए, और ये वॉर जो थी यानी बैटल जो थी वो भी हार गए थे सेटलर से. एक्सपेरिमेंट जो था, द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग ब्राज़ील विद पोर्चुगीज कन्विक्ट्स हैड बीन अबैंडन्ड व्हेन देयर वायलेंट बिहेवियर प्रोवोक्ड एंग्री रिप्राइजल्स फ्रॉम द नेटिव्स. अब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ब्राज़ील को पोर्चुगीज के साथ में, कन्विक्ट्स के साथ में, ठीक है, बिठा सेटल करने का, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है ख़राब हो गई और बहुत ही वॉयलेंट बिहेवियर जो है वो प्रोवोक कर दिया था. कैन एनी वन टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रोवोक? बहुत ही कॉमन वर्ड है. नोबडी, किसी को नहीं पता. प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है. और इन लोगों ने क्या, जो इनके दोषी थे ब्राज़ील के पोर्चुगीज के साथ, उन्होंने सेट कर दिया था उनको, और उससे क्या हुआ था, वो प्रोवोक हो गए थे गुस्से में. जो नेटिव्स थे उनको गुस्सा आ गया था इस तरह की चीज़ें देख करके, क्योंकि उनका बिहेवियर जो था बहुत ही वॉयलेंट था. द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस इन द अमेरिकन कॉलोनीज अंडर अंटिल दे बिकेम इंडिपेंडेंट. ब्रिटिशर्स ने भी सेम चीज़ करी थी अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए. देन दे कॉन्टिन्यूड इट इन ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद में उन्होंने सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी करी. मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स वर कन्विक्ट्स हु हैड बीन डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेन देयर जेल टर्म एंडेड वर अलाउड टू लिव एज फ्रीली एज फ्री पीपल इन ऑस्ट्रेलिया ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट रिटर्न टू ब्रिटेन. अब कई सारे सेटलर्स जो थे यानी दोषी जो थे, जो जिनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, ठीक है, जेल में, व्हेन देयर जेल टर्म एंडेड, जब उनका जेल का टाइम ख़त्म हुआ और वो जेल से बाहर निकले, तो उनको फ्रीली रहने तो अलाउ कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन एक ही कंडीशन पर कि वो अब ब्रिटेन नहीं जाएंगे. With no recourse but to make a life for themselves in this land so different from their own, they felt no hesitation about ejecting natives from land they took over for cultivation. अब इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, अब जेल से निकले कैदी, जो अब उनका टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया है, वो जेल से निकले हैं, उनके सामने आप कंडीशन रख रहे हैं कि अब आपको यहीं रहना है और आप वापस ब्रिटेन नहीं जाएंगे, आपको यहीं लाइफ जो है अपनी सेटल करनी पड़ेगी. तो वो क्या करते हैं, वो उस दौरान अपनी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को वापस मेंटेन करने की, ठीक है, जो उनकी कंट्री से ज़्यादा डिफरेंट जो था, सो डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, यानी खुद की कंट्री से बहुत डिफरेंट था. ब्रिटेन में अधिकतर आपको लिविंग कंडीशंस पता होंगी, वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. तो उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई कि वो जो वहाँ पे नेटिव्स रह रहे हैं उनसे उनका लैंड ले लें कल्टिवेशन के लिए, ठीक है. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलमेंट वॉज नॉट एज वेरिड एज एन अमेरिका. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, जो यूरोपियन सेटलर्स वहाँ जैसे अमेरिका में आकर के रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी आकर के रहने लगे थे, और कंडीशन उसी तरह की थी. वास्ट शीप फार्म्स एंड माइनिंग स्टेशन वर एस्टेब्लिश्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड विद मच लेबर फॉलोड बाई विनयार्ड्स एंड वीट फार्मिंग. अब क्या हुआ था, कई सारे बड़े शीप फार्म्स लगाए गए थे, माइनिंग स्टेशंस लगाए गए थे इस पूरे दौर पीरियड में, और कई सारे जो लेबर है वो भी लिया जा रहा था, ठीक है. उसमें विन यार्ड्स भी लगाए जा रहे थे. इसको वाइन यार्ड्स नहीं बोलते हैं, वाइन यार्ड्स के अंदर डब्ल्यू आता है, ये है विन यार्ड्स, ध्यान रखिएगा, कई बार लोग गलती करते हैं इस चीज़ में.
ठीक है, और वीट फार्मिंग यानी कि गेहूं की खेती भी उन्होंने शुरू कर दी थी। दीज केम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी उससे देश जो है फलने फूलने लग गया था। व्हेन द स्टेट्स वर यूनाइटेड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट अ न्यू कैपिटल वुड बी बिल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया इन 1911। फिर स्टेट्स जो है वो सारी साथ में आई, ठीक है, और डिसाइड किया गया कि एक नई कैपिटल बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया की 1911 में, और उसका नाम सजेस्ट किया गया वूल वीट गोल्ड। वन नेम सजेस्टेड फॉर इट वॉज वूल वीट गोल्ड। एक नाम जो था उसका रखा गया वूल वीट और गोल्ड। अल्टीमेटली इट वॉज कॉल्ड कैनबेरा, और बाद में उसका नाम दिया गया कैनबेरा। यानी कैनबेरा एक नेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मिलने की जगह, मीटिंग प्लेसेस। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है? कैनबेरा। ठीक है, 1911 के उसमें सम नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन फार्म्स अंडर कंडीशंस ऑफ वर्क सो हार्श दैट इट वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी। कुछ नेटिव्स जो है उनको फार्म्स में लगाया गया, कुछ कंडीशंस जो थी वो बहुत खराब थी, ठीक है, वो ऐसा लगता था जैसे कि वो थोड़ी ही डिफरेंट हो गुलामी से। लेटर चाइनीज इमिग्रेंट्स प्रोवाइडेड चीप लेबर एज इन कैलिफोर्निया, बट अन ईज अबाउट बींग डिपेंडेंट ऑन नॉन वाइट्स लेड टू द गवर्नमेंट्स इन बोथ कंट्रीज टू बैन चाइनीज इमिग्रेंट्स। अब क्या हुआ था, चाइना के लोग भी वहां आकर के रहने लगे थे, वो सस्ता चीप लेबर्स प्रोवाइड कराते थे, यानी चीप मजदूर प्रोवाइड कराते थे जैसे कि कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। उससे क्या हुआ, थोड़े ही समय बाद में जो नॉन वाइट्स थे वो बट अनईज अबाउट बींग डिपेंडेंट ऑन नॉन वाइट्स लेड टू द गवर्नमेंट्स इन बोथ कंट्रीज टू बैन चाइनीज इमिग्रेंट्स। सब क्या हुआ था, वो वाइट्स की कैटेगरी में तो नहीं आते थे ना चाइनीज लोग, तो उनको नॉन वाइट्स बोला जाता था। तो उस पर डिपेंड होने की बजाय गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि दोनों ही कंट्रीज में से चाइनीज इमिग्रेंट्स को हटा दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। टिल 1974 सच वॉज द पॉपुलर फियर दैट डार्क पीपल फ्रॉम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया माइट माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया इन लार्ज नंबर्स दैट देयर वॉज अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू कीप नॉन वाइट पीपल आउट। अब 1974 के दौरान ये डर सता रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से लोग जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी की थी कि नॉन वाइट पीपल जो है उनको बाहर कर दो। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं? नो मैम। ओके, द विंड्स ऑफ चेंजेस, द विंड्स ऑफ चेंजेस। ओके, इन 1968 पीपल वर इलेक्ट्रिफाइड बाय अ लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट W.E.H. स्टेनर इंटाइटल्ड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द अबॉर्जिन्स। अब ये अबॉर्जिन्स एक टर्म थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये किसके लिए यूज की जाती थी? नॉन वाइट लोगों के लिए, जो वाइट नहीं हुआ करते थे उनके लिए। तब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया था W.E.H. स्टेनर ने, ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने लेक्चर दिया है, एक इलेक्ट्रिफाइड लेक्चर। कहने का मतलब है कि जो लोगों को सुनकर के प्रोत्साहित कर दे, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है। ये ह्यूमन स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं एंथ्रो, जो ह्यूमन स्टडी के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इस नॉन इनकी स्पीच का नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी कि साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट अबॉर्जिनीज, यानी कि नॉन वाइट लोगों के लिए जो शांत साइलेंस रखा गया है उसके ऊपर। फ्रॉम द 1970s एज वॉज हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका देयर वॉज एन ईगरनेस टू अंडरस्टैंड नेटिव नॉट एज एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज बट एज कम्युनिटीज विद डिस्टिंक्ट कल्चर्स, यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड क्लाइमेट विद अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विच हैड वास्ट बॉडीज ऑफ स्टोरीज, टेक्सटाइल्स, पेंटिंग्स एंड कार्विंग स्किल्स विच शुड बी अंडरस्टूड एंड रिकॉर्डेड एंड रिस्पेक्टेड। अब क्या हो रहा था, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, वैसे ही यूएसए के अंदर भी बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा था 1970s में नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये जानने की इच्छुक थे लोग बाग जो कि वहाँ पे नेटिव्स हैं, जो अलग अलग एक इंसानियत
मतलब एक इंसानी स्टडी के तौर पे नहीं, एक उनके कल्चर को समझने के तौर पे, कि उनके कल्चर्स अलग हैं, जो यूनिक तरीके हैं उनको नेचर और क्लाइमेट को समझने के, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके बारे में, उनके पास में हुनर है, उनके बारे में ज्ञान है टेक्सटाइल को लेके, पेंटिंग को लेके, या उनके कार्विंग स्किल्स को लेकर के, उनको समझना चाहिए, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. 1970s का दौर है. अंडरलाइंग इट वॉज ऑल इट It all was the urgent question which Henry Reynolds later articulated in a powerful book, Why Weren't We Told? This condemned the practice of writing Australian history as though it had begun with the Captain Cook's discovery. अब क्या हुआ था? इन सब के नीचे एक ही चीज जो है वो हाईलाइटेड थी कि बहुत अर्जेंट क्वेश्चन जो है हेनरी रेनल्ड्स ने उठाया था अपनी पावरफुल बुक, यानी अपनी बुक के अंदर, जिसका टाइटल था व्हाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया. ये जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को लिख रहे थे उसके ऊपर था, जो कैप्टन कुक्स की डिस्कवरी है, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी कैप्टन कुक की डिस्कवरी, उससे रिलेटेड किया गया था कि हमें क्यों नहीं बताया गया. Since then, university departments have been instituted to study native cultures. तब से ही university के departments को ये guideline दी गई कि आप native culture के बारे में जानेंगे. Galleries of native art have been added to art galleries. Art galleries के अंदर native art को भी लगाया जाने लगा. Museums have been enlarged to incorporate dioramas and imaginatively designed room explaining native culture. Natives have begun writing their own life histories. अब क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग तो लिख रहे थे अपने कल्चर और उसके बारे में, और अमेरिका के अंदर ये चीज़ उठ रही थी कि हम लोग क्यों, हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमें भी इस तरह की चीज़ करनी चाहिए. ये क्वेश्चन रेज होते ही वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने उनका उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी, उनके बारे उनके कल्चर के बारे में पढ़ाई शुरू होने लगी, उनके आर्ट को आर्ट गैलरीज में जगह मिली, म्यूजियम्स को बड़ा किया गया जिससे उनकी डायोरामास जो होते हैं उनके बारे में लिखा जाए, एक्सप्लेन कराया जाए उनके कल्चर के बारे में, उनके लिए जगह दी गई. उनको नेटिव्स ने अपनी लाइफ हिस्ट्रीज के बारे में लिखना शुरू करा. दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एफर्ट. ये बहुत ही वंडरफुल एफर्ट रहा है. इट हैज़ आल्सो अकर्ड एट अ क्रिटिकल टाइम बिकॉज ऑफ इट्स नेटिव कल्चर हैड रिमेन्ड इग्नोर्ड. बाय दिस टाइम मच ऑफ सच कल्चर्स वुड हैव बीन फॉरगॉटन. अब 1970s में इनको याद आ रहा है कि नेटिव्स के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए, तब इनका काम शुरू हुआ है. ये एफर्ट तो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्रिटिकल टाइम तब आया जब नेटिव कल्चर जो है उसको, जब पहले पूरी तरह से जिसको, क्योंकि वो इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है, इस टाइम तक आते आते काफ़ी कल्चर जो है लोग बाग भूल चुके थे. अब जैसे एक एग्जांपल के तरह सपोज करो कि आपका इंडियन कल्चर जो है आपको अभी पता है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने उस चीज़ को जारी रखा, और उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने भी उस चीज़ को जारी रखा, तो सब एक दूसरे को पास ऑन करते हुए आ रहे हैं, तो ये चालू है. अब कोई ऐसी जनरेशन आए जो इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई कर दे, या फिर उसको बोले अरे क्या 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 पुरानी बातें लेके बैठे हो, अब डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, उस पर ध्यान दो, भूल जाओ ये सब, और धीरे धीरे वो उसको प्रैक्टिस करना बंद कर जाए, तो हो गया, ख़त्म हो गया, सब भूल गए लोग बाग, तो इस तरीके से आगे पास ऑन नहीं होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे जो चीज़ें पुरानी चली आ रही थी वो वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी. तो ये बहुत ज़रूरी था, और इनके साथ भी यही हो रहा था कि इनका काफ़ी कल्चर जो है ये लोग भूल चुके थे. फ्रॉम 1974 मल्टी कल्चरलिज्म हैज़ बीन ऑफिशियल पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया. 1974 के दौरान मल्टी कल्चरलिज्म करके जो पॉलिसी है इंडिया के अंदर वो ऑफिशियली मान ली गई. Which gave equal respect to native cultures and to the different cultures of immigrants from Europe or Asia. अब देखिए कितनी सही चीज़ यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पर आपके जो natives रहते थे उनके culture को भी importance मिलेगी, साथ साथ जो बाकी immigrants उस समय Europe और Asia से आकर के रुके थे, और वो भी वो लोग जो convicts थे, यानी आरोपी रहे थे, जेल में थे, क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या करते थे, अपने यहाँ के आरोपियों को भेज देते थे दूसरी जगह पे, ठीक है, अमेरिका के अंदर भी यही किया था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने यही किया. उन लोगों के कल्चर की भी ये लोग रिस्पेक्ट करने लगे. मल्टीकल्चरलिज्म को इन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया ऑस्ट्रेलिया की. अगर आपने कभी सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पर इस तरह की आपको सुनने को नहीं मिलेगी आए दिन की वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं या कानून तोड़े जा रहे हैं या लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बहुत कम होता है ऐसा. एक बहुत ही बैलेंस्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. फिर है फ्रॉम द 1970s एज द टर्म ह्यूमन राइट्स बिगिन टू हर्ट एट द मीटिंग ऑफ द यूएनओ.
and other international agencies, the Australian public realized with dismay that, in contrast to the USA, Canada, and New Zealand, Australia had no treaties with natives formalizing the takeover of land by Europeans. In 1970s ke dauran human rights jab shuru hue, sunne jaane lage, uski meetings hone lagi UNO mein aur dusri international agencies mein, to Australian public ko ye samajh mein realize hua ki bhai unke paas mein to koi proper treaty sign hi nahi hai. कि जैसे यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड के पास में ट्रीटी साइन थी कि यूरोपियंस वहाँ आ गए और उन्होंने टेक ओवर किया है लैंड, तो इनके पास में तो कोई ट्रीटीज डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं. वी हैव अ क्वेरी. ओके तानिशा, आपकी क्वेरी ये है कि क्लास डिसकनेक्ट हो रही है, तो आप जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ तो आप उससे कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा. ओके देन द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज टर्म द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलीस. गवर्नमेंट जो है उसने हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लैंड को क्या बोला है, टेरा न्यूलीस, ये टर्म दी है ऑस्ट्रेलियन लैंड को. दैट इज बिलोंगिंग टू नोबडी, क्योंकि इनके पास में कोई ट्रीटी साइन नहीं थी कि जितने यूरोपियंस आए, एशियंस आए, कि भाई उन्होंने टेक ओवर किया इनके लैंड को और फिर वो यहीं बस गए. तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए बोलती है, किसी का भी लैंड नहीं है. ऑस्ट्रेलियन लैंड को बोला जाता है टेरा न्यूलियस, न्यूलियस या नलियस. ठीक है. देयर वॉज ऑल्सो अ लॉन्ग एंड एगोनाइजिंग हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मिक्स्ड ब्लड नेटिव यूरोपियन being forcibly captured and separated from their native relatives. कई बार क्या होता है, यहाँ पे पुरानी और दुखदायी हिस्ट्री भी है बच्चों की कि उनकी मिक्स्ड ब्लड है, क्योंकि नेटिव यूरोपियंस जो है उनको फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता था और अपनी फैमिली से, नेटिव रिलेटिव से अलग कर दिया जाता था. एजिटेशन अराउंड दीज क्वेश्चन लेड टू इंक्वायरीज एंड टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स. वन टू रिकोगनाइज दैट द नेटिव्स हैड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बॉन्ड्स विद लैंड विच वॉज सेक्रेट टू दैम एंड विच शुड बी रिस्पेक्टेड. टू that while past acts could not be undone, there should be a public apology for the injustice done to children and attempt to keep white and colored people apart. अब यहाँ पर ये जो forcibly हमने पहले दो तीन लाइनों में पढ़ा कि बच्चों को अलग कर दिया जाता था नेटिव रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, तो उसके लिए क्या हुआ, दो क्वेरीज निकल के आई और इम्पोर्टेंट डिसीजंस आए. पहली कि जो नेटिव्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल बॉन्ड रहा है इस जगह से, जिनकी पवित्र जगह रही है, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे. दूसरा, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ के लिए आप पब्लिक अपॉलोजी जो है वो रखेंगे कि जिन भी बच्चों के साथ में उनको वाइट कलर लोगों, वाइट या कलर्ड लोगों को अलग अलग कर दिया गया था उनकी फैमिली से, उनके लिए आप पब्लिकली एक माफ़ी मांगेंगे. उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आप पब्लिकली माफी मांगेंगे. ठीक है. फिर है 1974 के, आपकी दे रखी है टाइमलाइन. व्हाइल ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी एंड्स, वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी एंड्स, एशियन इमिग्रेंट्स अलाउड एंट्री, एशियन इमिग्रेंट्स को अलाउ कर दिया गया और वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को एंड कर दिया गया. 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट इन द माबू केस डिक्लेयर्स दैट टेरा न्यूलियस वाज लीगली इनवैलिड एंड रिकॉग्नाइजेस नेटिव क्लेम्स टू लैंड फ्रॉम बिफोर 1770. 1992 के दौरान ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने माना कि टेरा न्यूलियस जो है किसी की लैंड नहीं, ये गलत चीज़ है, और बोला गया कि नेटिव जो है उनका ये लैंड 1770 से रहा है. 1995 के अंदर नेशनल इंक्वायरी इनटू द सेपरेशन ऑफ Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families. और ये जो इसमें नेशनल इंक्वायरी बिठाई गई, जो अलग किया गया था Aboriginal Torres Strait Islander बच्चों को अपनी फैमिली से, उसके लिए नेशनल पूरे देश में इंक्वायरी बिठाई गई. 1999 के अंदर 26 मई को अ नेशनल सॉरी डे रखा गया, जिन भी बच्चों को अलग जो खो गए थे या जिनको अलग कर दिया गया था अपनी फैमिली से 1820 से 1970 के दौरान, उनके लिए एक नेशनल सॉरी डे रखा गया 26 मई को. सो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं. नो मैम, सब क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है.
इसको आप पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मंडे को हम इसका डिस्कशन सेशन रखेंगे और उसी दिन हम टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इसको पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, और कोई वर्ड का मीनिंग जैसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप डिक्शनरी पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और कोई प्रॉपर उस वर्ड का इस लाइन से क्या रिलेशन है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? अभी भी मैं पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे आज जो पढ़ाया उसमें तो आप बता दो, मैं अभी भी सॉर्ट आउट कर दूंगी बिकॉज वी हैव टाइम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज जो पढ़ाया उसमें, सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर ठीक है। ठीक है, ओके, बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं। ओके, तो अब आप इसको पढ़ेंगे अपने आज बैठ करके, टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम मंडे को, और उस दिन भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। टिल देन आज के लिए इतना ही रहेगा, टिल देन आप सेफ रहिए और अपना वीकेंड एंजॉय करिए, एंजॉय योर वीकेंड एंड प्लीज डू स्टडी बिकॉज स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, ठीक है? ओके ओके मैम। okay, बच्चों।